नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर, जहां की पतली पतली छोटी गलियों से सुबह गुजरें तो यहां स्थित एक मंदिर नुमा इमारत से प्रार्थना के स्वर सुनाई देते हैं। यही है गीता प्रेस। 9 दशकों से सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक साहित्य की मशाल को प्रज्वलित किए आज भी सूर्य की तरह चमक रही है गीता प्रेस। यात्रा इस प्रकार की है कि ये दिन पर दिन प्रगति की है इस संस्था ने। आजकल छोटे मोटे ट्रस्ट भी इतने लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। अच्छे लोग, पूर्वज लोग स्थापित कर देते हैं, पर जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वो उसको चला नहीं पाता है ठीक से। लेकिन गीता प्रेस की स्थापना कैसे मुहूर्त में हुई ये मुझे मालूम नहीं, परंतु जब से इसकी स्थापना हुई है तब से इसमें प्रगति हुई है। और जो सिद्धांत उन महापुरुषों ने इसके स्थापित किए वो उसी प्रकार आज तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसी लाइन पर सारा कार्य चल रहा है। मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं। यह समय था 1920 का, जब देश में स्वतंत्रता की ज्वाला ने एक नई रोशनी का प्रवाह किया था। विदेशी शासन के तले बरसों से रह रहे भारतवासी अपनी पहचान फिर से खोजने की कोशिश कर रहे थे। भौतिक बदलाव के तहत गांधी जी के आह्वान पर विदेशी वस्तुओं की आहुति दे दी गई और खादी को धारण किया। लेकिन जनमानस की उस मानसिकता का भी कुछ उपचार करना जरूरी था जो बरसों से अंग्रेजों की दास्ता के तले दबी थी। कुछ ऐसे ही विचार से परेशान थे कोलकाता के मारवाड़ी समाज के भद्र पुरुष जयदयाल जी गोयनका। जयदयाल जी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे और हृदय सदैव परम सत्य, मोक्ष आदि की खोज में रहता था, इसलिए उन्होंने गीता का सहारा लिया। कोलकाता में ही उन्होंने मित्रों के संग सत्संग करना शुरू कर दिया। देखते देखते उनके सत्संग में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी, सो कोलकाता में ही गोविंद भवन स्थान का चयन भी कर लिया गया। फिर भी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि गीता संस्कृत में थी और सत्संग में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के पास गीता का सहज रूप नहीं था। सो पहली बार कोलकाता में जयदयाल जी गोयनका जी ने गीता का मुद्रण करवाया। पहली बार में कुल 5,000 प्रतियाँ छपवाई गई। ये प्रतियाँ जल्द ही ख़त्म हो गई, लेकिन गीता को इन प्रतियों की भारी मांग आ रही थी। उन महापुरुषों ने, जयदयाल जी गोयनका, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और भी उनके साथ एक दो लोग थे जैसे घनश्याम दास जी जालान आदि, इन लोगों ने आपस में ये विचार किया, ये लोग सत्संग करते थे और इन लोगों ने आपस में विचार किया कि भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए और लोगों को इसकी जानकारी कराने के लिए आवश्यकता है कि हम लोग कोई ऐसा प्रकाशन करें जो सबको प्राप्त हो। और इस रूप में श्रीमद् भगवद गीता हमारे सब शास्त्रों का सार है, सारांश है, और उसमें उसको यदि कोई जीवन में उतार ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसे में गोयनका जी ने 6,000 अतिरिक्त प्रतियां छपवाने का मन बनाया। गीता प्रेस की स्थापना का श्रेय भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार और घनश्याम प्रसाद जालान को जाता है, लेकिन गीता प्रेस की स्थापना का सफ़र भी कम दिलचस्प नहीं था। आज जो आप इतना बड़ा प्रेस देख रहे हैं उसकी शुरुआत यहीं पर लिए गए छोटे से मकान से हुई थी, जिसका किराया मात्र 10 रुपये महीना था। पहली मशीन आप देख रहे हैं, यह मशीन गीता प्रेस की प्रतियों की मांग को पूरा करने में सफल नहीं हो रही थी, क्योंकि इसमें 1 घंटे में 3 कुशल कारीगर व्यक्ति काम करके मात्र 100 पृष्ठ ही निकाल पाते थे। इसलिए गीता प्रेस अपनी पुस्तकों की मांग को पूरा करने के लिए समय समय नई मशीनें खरीदता गया। गीता प्रेस को खुले अब कुछ वर्ष हो चुके थे, प्रकाशन का कार्य चल रहा था। इसी बीच 1926 में दिल्ली में मारवाड़ी समाज का 8वां अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में घनश्याम दास बिरला जी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने जब
जयदयाल जी गोयनका के विचारों को सुना तो काफ़ी प्रभावित हुए और सुझाव दिया कि एक पत्र के जरिए विचारों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को ये सुझाव भा गया और अधिवेशन के तुरंत बाद उन्होंने गोयनका जी से यह बात कही। गोयनका जी ने सहमति दे दी और यात्रा के दौरान पत्र का नाम तय कर लिया गया। ये नाम था कल्याण। तय हुआ कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार सारी विषय वस्तु प्रदान करेंगे और छपाई का काम मुंबई में ही होगा। इस तरह कल्याण का प्रथम अंक अगस्त 1926 में मुंबई से प्रकाशित हुआ। कल्याण की विशेषता थी कि इसमें पुराणों से कई कथाओं को लिया गया था। साथ ही जयदयाल जी गोयनका, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और अन्य कई संतों, भक्तों, लेखकों की रचना को भी शामिल किया गया। कल्याण का उद्देश्य था समाज के नैतिक मूल्यों की रक्षा करना और नैतिक मूल्यों का स्रोत थे सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथ जैसे गीता पुराण आदि। यही एक वजह थी कि कल्याण पत्रिका के लेखकों में शंकराचार्य और धर्म ज्ञाताओं के नाम भी मिलते हैं, लेकिन धार्मिक पत्रिका के साथ एक सांस्कृतिक नैतिक पत्रिका भी थी। अब जब कल्याण पत्रिका का जिक्र हो रहा है तो उनके संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में भी जान लेना जरूरी हो जाता है। सच कहें तो गीता प्रेस को चलाने वाले भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, जो किसी भी तरह अपने नाम की प्रसिद्धि नहीं चाहते थे। गीता प्रेस का संस्कृत प्रेम जग जाहिर है, जो उसकी किसी भी किताब से पता चल जाता है। जैसे संस्कृत में रामस्य लिखा जाता है और उसका हिंदी अनुवाद होता है राम का, यानी राम के बाद रिक्त स्थान फिर का। लेकिन गीता प्रेस की किताबों में राम के बाद रिक्त स्थान नहीं होता, यहाँ राम का एक साथ लिखा जाता है। इतना होने पर भी जानकारों का कहना है कि ये भाषा सरल है। गीता प्रेस की किताबों का एक और प्रमुख आकर्षण उनके चित्र रहे हैं। यहाँ के संस्थापकों का मानना था कि चित्रों के बिना साहित्य अधूरा है, इसलिए चित्रकारों के साथ बैठकर बाकायदा चित्रों का निर्माण करवाया गया। इन चित्रों में रामलीला, कृष्णलीला और दूसरे विषयों पर चित्र हैं। हाथ से बनाए गए इन चित्रों की मूल प्रतियां आज भी गोरखपुर के विशेष भवन में रखी गई हैं। इस चित्र मंदिर का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 1955 में किया था। साथ ही इस चित्र मंदिर में गांधी जी का हस्तलिखित गीता प्रेस को दिया गया संदेश भी रखा हुआ है। साथ ही रखी गई है गीता की एक ऐसी प्रति जिसे मैग्नीफाई ग्लास से ही देखा जा सकता है। गीता प्रेस की एक और प्रमुख उपलब्धि है सनातन साहित्य का संस्कृत से हिंदी भाषा में अनुवाद। इसमें संस्था के संस्थापक जयदयाल जी गोयनका, भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार का महान योगदान है। जैसे रामचरितमानस के दोहों के अर्थ को समझना किसी हिंदी भाषी के लिए भले ही आसान हो, लेकिन भावों की पकड़ पर हर किसी की पहुंच नहीं होती। इस मुश्किल को गीता प्रेस ने आसान किया। रामचरितमानस के बड़े संस्करणों में दोहों के भावार्थ को सरलता से समझाया गया है, जिससे राम के चरित्र की सभी विशेषताएं उभर कर आती हैं। गीता प्रेस ने हिंदी के विस्तार के लिए तमिल, तेलुगु, बंगला, मराठी आदि में भी प्रकाशन शुरू किया, जिससे सनातन धर्म साहित्य सर्वव्यापी हो गया तथा इन भाषाओं को बोलने वालों में हिंदी को लेकर उत्सुकता बढ़ी और कई लोगों ने हिंदी को सीखा भी।